गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डेटा मॉडल लेक्चर हमने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने समझा था रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, हायरार्कल डेटा मॉडल क्या होता है, और एक और हमारे सिलेबस में है नेटवर्क डेटा मॉडल। तो हायरार्कल डेटा मॉडल हम लोग देख रहे थे, उसी में देखने वाले आज हम लोग हायरार्कल डेटा मॉडल का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो हायरार्कल डेटा मॉडल, हालांकि मैंने ये पढ़ा चुका है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू और देख लेते हैं। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है। तो देख सकते हैं जैसे कि ये कोई एंटिटी है, इसका एक पेरेंट है। उसी तरीके से ये कोई एंटिटी है, उसका एक सिंगल पेरेंट है। उसी तरीके स्टूडेंट का भी एक सिंगल पेरेंट है, टीचर का भी सिंगल पेरेंट है। तो ये चाइल्ड क्लासेस होंगे, चाइल्ड क्लास कहता हूँ, चाइल्ड नोड है, और ये आपका पेरेंट नोड है। तो इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो एक एक पेरेंट, उसके चाइल्ड नोड्स, सेवरल चाइल्ड नोड्स। इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसमें हम रूट कहते हैं, और इस मॉडल में एक एंटिटी है जिसे हम लोग रूट या पेरेंट नोड कहते हैं। इस मॉडल में डेटा को ट्री की तरह के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ना। तो ट्री की तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इस मॉडल में सारे जो डेटा होते हैं, टेबल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो, जिसमें केवल एक ही रूट होता है इस जिसमें डेटा को रिकॉर्ड्स की तरह स्टोर किया जाता है, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे 1970 में प्रस्तावित किया गया था। उदाहरण के लिए कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स तथा स्टूडेंट्स होते हैं। जो कॉलेज एक पेरेंट हुआ और प्रोफेसर्स तथा स्टूडेंट्स उसके चाइल्ड हुए। तो ये डायग्राम के थ्रू उसी चीज़ को हमने समझा। कॉलेज है, डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कोर्सेज हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। यह डेटा शेयरिंग को प्रमोट करता है ना। डेटा शेयरिंग का मीनिंग क्या है? आप जैसे कि हमारे पास कॉलेज नामक कोई टेबल होगा, उसके जो डेटा होंगे वो शेयर्ड किए जाएंगे उसके उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं, चाइल्ड टेबल्स हैं, उनके द्वारा। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, जिसके कारण इसे कंसेप्ट सरल होते हैं, है ना। टॉप में पेरेंट होगा, फिर उसके चाइल्ड होंगे, टॉप में पेरेंट होंगे और उसके चाइल्ड होंगे। यह डेटाबेस सिक्योरिटी प्रदान करता है, और जब हम लोग डेटाबेस में ऐसे रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो हाई होता है। इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है, मतलब वन उसके मैनी चाइल्ड नोड्स। डिसएडवांटेजेस, यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल का मीनिंग ये होता है, जैसे कि मान लो हम कोई घर बनवा रहे हैं और आधा जो है उसका कार्य हो चुका है, उसमें एक रूम हमें ऐसा लग रहा है कि उसका डिज़ाइन जो है या उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़राब हो गया। तो सीधी सी बात है भाई, पूरे जितने ईंट लगे, मसाले लगे हैं, वो सारे के सारे को हमको तोड़ना पड़ेगा, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं कहलाएगा। वही हम बिना नुकसान के यदि कुछ हम चेंज कर रहे हैं, अभी घर वाले कंसेप्ट में ये हुआ कि हम कुछ चेंज कर तो हमारा कुछ नुकसान होगा, मेहनत गया, टाइम गया, और उतने सारे मटेरियल्स का वो वेस्ट हुआ। तो फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये होता है, हम यदि कुछ चेंज करें तो हमें कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर ये जो डेटा मॉडल है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसमें डेटा डेफिनेशन तथा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं है। ये डेटा डेफिनेशन तथा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। डेफिनेशन मतलब टेबल और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कमांड्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाता है। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का अर्थ होता है उन डेटा को, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, अपडेट करना, चेंज करना, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस कहलाते हैं। तो इस मॉडल के लिए हमें कोई डेटा डेफिनेशन तथा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमको नहीं है। इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिकल डेटा स्टोरेज के नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको फिजिकल डेटा स्टोरेज, मतलब कौन से मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, लोकेशंस, तो वो तरह तरह की चीज़ें हैं, उन सब का हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी ये जो डेटा मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर सभी प्रोग्राम्स में बदलाव करना पड़ता है। मतलब बोलने का अर्थ ये है, यदि मान के चलिए मैं यहाँ से अगर
ये जो नोड है उसे हटाता हूँ, तो मुझे इधर भी कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है टीचर से रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हों, है ना, कुछ रिकॉर्ड्स हों, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हों, तो एक जगह यदि मैं चेंज करूँगा तो मुझे मल्टीपल प्लेसेस में वो चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर में इतना ही, हायरार्कीकल डेटा मॉडल और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।